पंडित जी। क्या बात है बद्री? आज मुझे एहसास हो गया है पंडित जी कि आपने कभी मुझे अपना भाई नहीं हमेशा खैर समझा है। ये क्या कह रहे हो तुम तो हमेशा से बहुत ही संतुलित दिमाग के व्यक्ति रहे हो, इस समय इतने भावनाग्रस्त क्यों हो? भावनाग्रस्त इसलिए हो आपके और मेरे बीच संबंधों का जो मजबूत पुल था एक पुख्ता बांध था आज मुझे एहसास हुआ कि कभी था ही नहीं। आखिर बात क्या है बद्री? तुम्हारे कटु शब्द मुझे कर रहा है। लांछित तो मैं हो रहा हूं पंडित जी क्योंकि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। आपने मेरे भाई बद्रीनाथ को भाई माना अपना दोस्त माना लेकिन मुझे नहीं, और जब आपने माना ही नहीं तो फिर मुझे भावनाओं से भरा हुआ वो सम्मान देने की जरूरत क्या है? सुना तुमने मेरे दोस्त बद्री का वचन पूरा किया, मुझे तुम पर नाज है, पूरे चुनारगढ़ को तुम पर नाज है। आज से तुम मेरे लिए बद्री के भाई नहीं बल्कि स्वयं बद्री हो। जब आपने मुझे बद्रीनाथ नाम दिया था तो क्या आप क्षणिक भावुकता में बह गए थे? नहीं बद्री, मेरे मन में तुम्हारे लिए वही जगह है, वही भावना है, बल्कि उससे भी ज्यादा तुम मेरे लिए बद्रीनाथ भी हो और सोमनाथ भी। तो फिर बताइए सभ्या कातिल कौन है? कौन है वो कातिल जिसे आप अच्छी तरह जानते भी हैं और पहचानते भी हैं? ये तुम कैसे कह सकते हो बद्री? तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं उसे जानता हूं? क्योंकि मैं उस कातिल का नाम जान चुका हूं। ये नहीं हो सकता। क्या कातिल आपका करीबी नहीं है? क्या कातिल से आपका कोई वास्ता नहीं है? क्या कातिल आपका हमशक्ल आपका भाई शन नहीं है? हाँ पंडित जी, शनि ने सभ्या कातिल किया है, शनि सभ्या कातिल है, और आपने अपने बड़प्पन में वो इल्जाम अपने सर पर ले लिया तो शनि आपका सगा है, शनि आपका भाई है। क्या आप अब भी असलियत से मुंह फेर सकते हैं? क्या आप अब भी इनकार कर सकते हैं पंडित जी? नहीं बद्री, नहीं। तुम चाहे जिस रास्ते से इस असलियत तक पहुंचे हो लेकिन सत्य यही है बद्री, सत्य है ये। फिर बताइए सत्य के पक्षधर होते हुए भी ये आप असत्य का पक्ष कैसे ले रहे हैं? सभ्या जैसी देवी जिसने शनि के हर पाप को माफ करके जिसने उसके कातिलाना हमले को माफ करके उसे पति जैसा दर्जा दिया, उस शनि ने ऐसी पत्नी की हत्या कर दी। ऐसा जघन्य पाप करने वाला पापी क्या माफ करने योग्य है? फिर भी आप शनि का पक्ष ले रहे हैं? नहीं बद्री, नहीं, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा बद्री। मेरा दंश यह है कि शनि के सारे कुकर्मों को जानते हुए भी मैंने शनि को चुनारगढ़ में शरण दी। मैंने शनि के सभ्या पर कातिलाना हमले को जीवनदान समझा। ये मेरा पाप है बद्री। सभ्या की मौत के बाद दुश्मनों के सारे राज खो देने का महापाप मैंने किया है। इन पापों का प्रायश्चित मुझे करना होगा बद्री। हाँ बद्री, तारा के खिलाफ आज कोई सबूत नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरी वजह से मारा महफूज नहीं है बद्री। तो आप क्या समझते हैं कि आपके बलिदान से महारानी महफूज हो जाएंगी, तारा के खिलाफ सबूत हासिल हो जाएंगे? ये दिशाहीन प्रायश्चित क्यों पंडित जी? क्योंकि शनि मेरा भाई है बद्री, उसके कुकर्म और उसके पापों को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था, और फिर भी मैं उसके पाप का भागीदार और साझेदार बना। पंडित जी माना कि शनि आपका सगा भाई है लेकिन रिश्तों को खून तय नहीं करता पंडित जी,
रिश्तों को तय करता है कर्तव्य, बर्ताव, लिहाज, आपसी सम्मान। और आपके उस भाई ने ना कद्र की है खून के रिश्ते की, न कर्तव्य की, न लिहाज की, न बर्ताव की, न आपसी सम्मान की। तो कैसा भाई, कौन सा भाई? आप उसके लिए सजा भुगते, आप उसके लिए सूली पर चढ़ जाए, इसका कोई औचित्य नहीं। नहीं बदरी, नहीं, इस बात का और तूल मत दो बदरी। महाराज का फैसला हो चुका है, मुझे उसका सम्मान करने दो बदरी। नहीं, आपका फैसला जो भी हो, मैं अपने फैसले में आपको दखल देने नहीं दूंगा। बनी जी, तुम ही मेरी दोस्ती का वास्ता है बदरी। सावधान, उस पथ से तुम जा रहे हो। महाराज का फैसला हो चुका है, मुझे उसका सम्मान करने दो बदरी। नहीं, आपका फैसला जो भी हो, मैं अपने फैसले में आपको दखल देने नहीं दूंगा। पंडित जी, तुम ही मेरी दोस्ती का वास्ता है बदरी। दोस्ती का वास्ता है, मैंने भी दिया था आपको दोस्ती का वास्ता। रखिए मेरे सर पर हाथ, खाइए अपने जिगरी दोस्त, मेरे बड़े भाई मरहूम बद्रीनाथ की सौगंध। क्या आपने सभ्य का कत्ल किया है? कहिए, उठाइए सौगंध। क्या वो पंडित जी, आपने हाथ क्यों उठा लिया? क्योंकि आप झूठी सौगंध नहीं उठा सकते दोस्ती। और रिश्तों से ऊपर भी कुछ अहम रिश्ते होते हैं। रिश्तों से ऊपर है मनुष्य का धरती से रिश्ता। मनुष्य जब जान देता है तभी देश जिंदा रहता है बदरी। राज्य के मुताबिक पंडित जी, इस वक्त मेरे लिए दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा देश चुनारगढ़। तो चुनारगढ़ पंडित जगन्नाथ के बिना चुनारगढ़ नहीं रहेगा। नहीं बदरी, नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश करूं बदरी। आप भी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पंडित जी। आपने एक बार मेरे बेगुनाह भाई बद्रीनाथ की जान बचाई थी, मैं भी पंडित जगन्नाथ की जान बचाऊंगा, मुझ पर फर्ज है आपका। मैं शरीर को गिरफ्तार करके लाऊंगा पंडित जी। खुशी मनाने की जगह मातम मनाओ सुल्ताना, मातम। हाँ तारा, हाँ सुल्ताना, हाँ। बद्रीनाथ ने चुनारगढ़ में घुसते ही आनंद फानंद में तहकीकात शुरू की और वो इस नतीजे तक पहुंच चुका है कि सभ्य का कातिल पंडित जगन्नाथ नहीं बल्कि शनि है। शनि? क्या? हाँ। लेकिन वो बद्री इस नतीजे तक पहुंचा कैसे? गलती हम लोगों की है तारा, हम लोगों की, कि हमने बद्रीनाथ के शातिर दिमाग को नजरअंदाज कर दिया। जिस रात शनि ने सभ्य की हत्या की उसी रात उसका फरार हो जाना मुनासिब नहीं था। बस इसी बात की जानकारी मिलते ही बद्रीनाथ के शातिर दिमाग की सोई शनि की तरफ घूम गई और अब पंडित जगन्नाथ की सजा मुकम्मल होने से पहले बद्रीनाथ ने शनि को गिरफ्तार करने का बीड़ा उठाया है। अक्ल और हिम्मत की तोपें सिर्फ बद्री के पास ही नहीं, बद्री क्या करेगा क्रूर सिंह के दिमागी तोपों का मुकाबला? तुम लोगों ने देखा नहीं, देखा नहीं कि बद्री के सबूत पुजारी गंगाधर को क्रूर सिंह की क्रूरता ने बेजुबान कर दिया? बेजुबान? बद्री को पहला सबक सिखा दिया यक। इस बात में तो कोई शक नहीं है क्रूर सिंह। क्रूर सिंह, तुम्हें फौरन इससे पेशतर कुछ करना ही पड़ेगा। करेगा, करेगा क्रूर सिंह, कुछ नहीं बहुत कुछ करेगा। जब तुम लोगों ने अपनी अपनी लगामें हमारे हाथों में दे ही दी है तो क्रूर सिंह सब कुछ करेगा। अब मैं जो बोलूं वो सुनो, जो कहूं वो करो। बद्री का मामला अब हमारे सुपुर्द रहा। अब क्रूर सिंह एक पत्थर से दो शिकार करेगा। पंडित जगन्नाथ तो कल मरने वाला है यक। लेकिन उससे पहले बद्री के साथ कौन सा दाव खेला जाएगा? ये क्रूर सिंह के इन हुनरमंद चक्रवाती हाथों पे छोड़ दो यक।
बद्रीनाथ जी, यह है शनि का पता और ठिकाना, और यह है बागामरी गुफा, और यह रास्ता है उत्तरी पहाड़ियों के पार। आगे इसके बाद यह है विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला। इसके बाद यह है खूनी नाला। इसके पार करने के बाद बागामरी गुफा का इलाका शुरू हो जाता है। बागामरी गुफा पहुंचने के बाद तो मैं शनि को किसी भी हालत में खोज ही लूंगा। लेकिन बद्रीनाथ जी, एक बात याद रखिएगा कि ये रास्ता काफी कठिन और खतरनाक है। पन्नालाल, रास्ता कितना भी कठिन और खतरनाक क्यों ना हो, मुझे शनि को किसी भी हाल में गिरफ्तार करना है और समय को भी शिकस्त देना है। ये मेरी दोस्ती की आजमाइश का समय है। पन्नालाल जी, इसके अलावा कोई छोटा रास्ता है जिससे समय रहते मैं शनि को गिरफ्तार कर सकूं? बद्रीनाथ जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए आप यहां पर जल्दी पहुंच सकते हैं। बद्रीनाथ जी प्रणाम। घोड़ा तैयार है? जी बद्रीनाथ जी, आपके जाने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। चलो। देखो बनना क्या है। जल्दी करो, वक्त जाया मत करो। सावधान, उस पथ से तुम जा रहे हो वो सुरक्षित नहीं है। ये गुमनाम आखिर है कौन, दोस्त है या दुश्मन? अभी दिखाता हूं तुम्हें। ये बद्रीनाथ जी की लाश है, इसका सम्मान तो करो। असगर, इस लाश को ढक दो ताकि चील कौवे इसकी लाश को ना चीते। ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा असगर। ये लाश नहीं है क्रोसन, ये लाश नहीं है। लाश नहीं है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई क्या? ये लाश नहीं तो और क्या है? ये पुतला है, पुतला। पुतला? हाँ हाँ, ये पुतला है। एक देखो, देखो, अगर तुम लोगों की आंखें कमजोर नहीं हुई है तो देखो
इस खंजर में एक भी कतरा खून का नहीं है। देखो एक एक देखो क्रूर सिंह, अभी दिखाता हूं तुम्हें मैं। इसमें हड्डियां नहीं है। यह देखो क्रूर सिंह, यह देखो। कौन पी गया इसका खून? इतना बड़ा धोखा। क्रूर सिंह, बद्री को आखिर हमारी योजना के बारे में पता कैसे चला? तारा, ये तो हैरानी की बात है। ये हैरानी की नहीं, बद्रीनाथ अय्यारी का एक करिश्मा है सुल्ताना, करिश्मा। तारा, क्रूर सिंह के इस नाकामी के बाद हमें अपने लगामें अपने हाथ में लेनी होगी। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि बागमरी गुफा तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, तो फिर बद्री ने शनि तक पहुंचने का कौन सा रास्ता इख्तियार किया है? चलो यहां से। रास्ते पर तो सचमुच खतरा था। वो कौन शुभचिंतक था जिसने मुझे चेतावनी दी थी? शुभचिंतक, बद्रीनाथ का तेरा शुक्रिया। जंगली रास्ते इख्तियार करना होगा, वक्त बहुत कम है, तो चारा क्या? तो